प्यारे बच्चों आपका बहुत स्वागत है रिक्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान से समझे। देखो बेटा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स या इंटरैक्शन फोर्स, इट इज द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल एंड हाई ईएन वैल्यू एटम लाइक एफ ऑब्लिक ओ ऑब्लिक एन प्रेजेंट इन अदर मॉलिक्यूल। डेफिनेशन को जरा कॉपी करो ध्यान से। इट इज इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल एंड हाई ईएन वैल्यू एटम लाइक एफओएन प्रेजेंट इन अदर मॉलिक्यूल। तो देखो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर तो हाइड्रोजन एटम है और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर या तो फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, इन तीन में से कोई एक है, एफ है या ओ है या एन है, इनमें से कोई एक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन है, दूसरे के अंदर एफ या ओ या ओ में या एन में से कोई एक चीज है, ठीक है। उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, वो अट्रैक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रिपीट करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो अट्रैक्शन है जो लगता है किसके बीच में, हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है फर्स्ट मॉलिक्यूल में, एफ ऑब्लिक ओ ऑब्लिक एन जो प्रेजेंट है सेकेंड मॉलिक्यूल में। तीनों नहीं होंगे, या तो F होगा या O होगा या N होगा, वो सेकेंड मॉलिक्यूल में होगा और पहले में H होगा, तो उसमें जो अट्रैक्शन लगेगा वो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो H F में बनेगी या H O में बनेगी या H N में बनेगी, तीन ही जगह बनेगी, तीन पेयर में बनेगी, H F H O H N। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर आपने एफ ओ एन ही क्यों सेलेक्ट किए, बाकी एटम से आपको क्या एलर्जी है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो शर्तें हैं, है ना, इन दो शर्तों को ये तीनों एटम ही पूरा करते हैं एफ ओ एन। इन्हें याद रखने के लिए ध्यान रखो फॉन एफ ओ एन फॉन फॉन क्या है, दो शर्तें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पहला, जो चीजें हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगी उनकी ईएन वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो दुनिया में नंबर वन रैंक पर ईएन वैल्यू है एफ की, नंबर टू पर है ओ की और नंबर तीन पर है एन की। और दूसरी शर्त है उसका साइज बहुत छोटा हो, है ना। तो एफ ओ एन ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं, इनकी ईएन वैल्यू दुनिया में 1, 2, 3 रैंक पर है, हाईएस्ट है और इनका साइज भी छोटा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या क्या कंडीशन है ये बता रहे हैं। इससे पहले आप देखें कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशंस है। पहला, एटम शो हाई ईएन वैल्यू, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ईएन वैल्यू किसकी है, एफ की 4.0, फिर ओ की 3.5, फिर एन की 3, ठीक। दूसरी है, एटम शुड बी स्मॉल, एटम शुड बी स्मॉल इन साइज, ये शर्त भी कौन पूरी करता है, एफ ओ और एन। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन पेयर में ही बनती है, या तो एच एफ में या एच ओ में या एच एन में, ये तीन ही पेयर हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। और ये मैंने सारा लिख दिया है डेफिनेशन और कंडीशन, आप ये नोट करिए, मैं सामने सट गया हूं।
फिर आगे बात बढ़ाते हैं। चलिए भाई नोट कर लिया है। अब देखो, अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है? तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो की, एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। कौन कौन सी? इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप्स हैं, पहली इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर और दूसरी इंट्रामोलिकुलर। ये दो टाइप है, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में हो, ये वर्क करता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जैसे एक एचएफ है पहला मॉलिक्यूल, दूसरा एचएफ है दूसरा मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का एफ और दूसरे का एच। तो मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल टू, पहले मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल वन और मॉलिक्यूल टू है, एक मॉलिक्यूल का एफ दूसरे का एच, या उल्टा कर लो, इसका एच ले लो इसका एफ ले लो। इंट्रामोलिकुलर जो होती है वो होती है बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, ऑफ सेम मॉलिक्यूल। जैसे इंटरमोलिकुलर और इंट्रा में अंतर समझ में आया? ये दो मॉलिक्यूल के बीच में होंगी, जैसे एचएफ एचएफ मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में, बिटवीन एचएफ एचएफ मॉलिक्यूल है ना, और इसी प्रकार से बिटवीन क्या, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। और ये होगी, इसका एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो को शॉर्ट में ओ भी लिखते हैं, तो इसे कई वो कैसे भी लिख देती हैं, ओ नाइट्रोफिनॉल। ये इसका स्ट्रक्चर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, इसका OH, इसका NO2। अब इसका H इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये वाली है इंट्रा। इंट्रा और इंटर में अंतर समझे या नहीं समझे? देखो इंटर और इंट्रा में क्या अंतर है, देखो ध्यान देना। अगर मैं अपना हाथ बढ़ाऊं और आप अपना हाथ बढ़ाओ, हम दोनों हैंडशेक करें, ये मेरा हाथ है ये आपका हाथ है, हैंडशेक कर रहे हैं, हेलो सर आप कैसे हैं, ये इंटर है। इसमें एक हाथ एक मॉलिक्यूल का है, दूसरा हाथ दूसरे मॉलिक्यूल का, यानी कि आपका है। लेकिन इंट्रा क्या होगी, ये वाली क्या होगी? इसमें क्या है, देखो ये हाथ भी मेरा ही है और ये हाथ भी मेरा ही है, मैं दोनों हैंडशेक अपने हाथ से कर लूंगी, हेलो सर आप कैसे हैं बग्गा जी। तो ये है इंट्रा। इंट्रा का मतलब दोनों ग्रुप, ग्रुप वन ग्रुप टू, दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के। और इंटर का मतलब है दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे मैं और आप हैंडशेक करें तो ये इंटर है, और मैं ही अपने दोनों हाथ आपस में हैंडशेक कर लूं तो ये इंट्रा है। ये दो वर्जन है इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इंटर और इंट्रा। ठीक, नोट कर लिया। अब बात आई इनके असर क्या पड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखो बेटा पहले एक एक करके बात करते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा है इसके कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा वर्किंग में नहीं होती है ना, इसके बहुत लिमिटेड रोल है। मेन रोल है इंटर के, इंट्रा के रोल लिमिटेड है। फिर भी क्या है रोल, क्या है? देखो एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू सेपरेट, हाउ कैन यू सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम पैरा नाइट्रोफिनॉल, फ्रॉम पैरा नाइट्रोफिनॉल, हाउ कैन यू सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम पैरा नाइट्रोफिनॉल। आंसर क्या है देखो बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ही होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल ये होता है।
इसमें दोनों चीजें पास पास है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें दोनों ग्रुप पास पास है, OH और NO2, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वो भी कौन सी वाली, इंट्रा। इसमें ये दोनों चीजें अपोजिट है, किसमें, पैरा नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि OH NO2 के अपोजिट है, तो इंट्रा वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जिसमें इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्टीम में घुल जाता है, किसमें, स्टीम में घुल जाता है, घुलने के लिए वर्ड है वोलेटाइल, तो ये स्टीम में वोलेटाइल है और ये स्टीम में वोलेटाइल नहीं है, क्रॉस। जो चीज स्टीम में वोलेटाइल होती है वो स्टीम में घुल गई और ये घुलेगा नहीं। तो ऐसी चीज एक, जब दो चीजें हों जिसमें से एक स्टीम में घुले और एक स्टीम में ना घुले, जब ऐसे दो कंपोनेंट हो, एक स्टीम में घुल रहा है और एक स्टीम में नहीं घुल रहा है, तो उन्हें अलग अलग करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। किसका, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का। ये इसकी डिटेल बहुत आएगी लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब चैप्टर नंबर हम आपको बताएंगे 11 नंबर, तब ये बात डिटेल में आएगी, लेकिन अभी आप ध्यान रख लो, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड तब काम में आता है जब ऐसी दो चीजें अलग अलग करनी हो जिसमें से एक चीज स्टीम में घुलती हो और एक चीज स्टीम में घुलती ना हो, तब स्टीम डिस्टिलेशन मेथड काम में आता है। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम में घुलता है ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये स्टीम में घुलता है क्योंकि इसमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये स्टीम में नहीं घुलता है क्योंकि इसमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसमें क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसमें ये दोनों पास पास है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें ये दोनों अपोजिट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जिसमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो स्टीम में घुलेगा, जिसमें नहीं होगी वो नहीं घुलेगा, इसलिए इन दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन से अलग अलग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी नीट एम्स दुनिया भर का कोई एग्जाम नहीं है या बोर्ड जिसमें पूछा ना गया हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है, बिल्कुल 100% है कि हाउ कैन यू सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो आपका आंसर होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में नहीं होती है, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम में घुलता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं घुलता है, इसलिए इन दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड की बहुत बड़ी डिटेल आएगी जब आप चैप्टर नंबर 11 करेंगे, ठीक है। ये मैं सामने चढ़ गया हूं, नोट करें, ये था ऑल अबाउट इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका एक ही केस है आपके बोर्ड्स में। अब बात करते हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखो बेटा, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कमाल की है भाई, उसके तो आपके कोर्स में बहुत सारे केसेस हैं। कौन सी वाली के, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। आप कहोगे सर बहुत सारे केसेस हैं, तो बताते जाओ साहब जल्दी जल्दी से। देखो बेटा, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे केसेस हैं, उसमें पहला समझे। देखो अगर हम देखें, पहला केस है अमोनिया ग्रुप में अगर हम चलेंगे, देखो ग्रुप है नाइट्रोजन ग्रुप, चलो है ना, नाइट्रोजन ग्रुप के अलावा चलो आप कौन सा ग्रुप चलो, ऑक्सीजन ग्रुप चलो और हेलोजन ग्रुप चलो। तो नाइट्रोजन ग्रुप के मेंबर हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ऑक्सीजन ग्रुप के हैं उस से टीपो, और इस ग्रुप के हैं फिर कल बाहर आई आंटी, ये रेडियो एक्टिव है, उन्हें छोड़ दो, टीओ को और एटी को, ये रेडियो एक्टिव है, इनसे एक्सपेरिमेंट करना घातक रहेगा, रेज निकलती है। अब इनके हाइड्राइड बनाओ, तो इसका हाइड्राइड हो गया अमोनिया, PS3, ASS3, SBS3, BIS3, ऐसे इसका बनाओ H2O, H2S, H2SE, H2T, ऐसे यहां पर HF, HCl, HBr, HI, These are called हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। अगर आप इन सबको देखें तो F से बड़ा है Cl,
सीएल से बड़ा है बीआर और बीआर से बड़ा है आई। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगेगी। वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज। जितना साइज बड़ा वंडरवाल फोर्स ज्यादा, जितने वंडरवाल फोर्स ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है अगर हम लॉजिकली चलें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एच आई का, फिर एच बी आर का, फिर एस सी एल का, फिर एच एफ का। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा बोलो जरा, क्या ऑर्डर आना चाहिए? ऑर्डर आना चाहिए सबसे ज्यादा किसका बोलो? एच आई का, फिर उसके बाद एच बी आर का, फिर एस सी एल का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? एच एफ का। लेकिन एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एच एफ में देखो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकेंड, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी वाली? इंटर। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एच एफ जो लास्ट पे आना चाहिए था वो वन पे आ जाता है। तो ऑर्डर हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का, ये ऑर्डर किसका है? बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड का। क्या ऑर्डर हो गया? एच एफ, एच आई, एच बी आर, एस सी एल, जो चीज सबसे लास्ट पे आनी चाहिए थी क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा था एफ का, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने उसे नंबर वन पे कर दिया। इसी तरीके से अगर आप आगे चलेंगे तो यहां पर देखिए, ओ से बड़ा एस, एस से बड़ा एसी, और एसी से भी बड़ा टी। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए? ऑर्डर आना चाहिए एच टू टी ई नंबर वन, नंबर टू एच टू एसी, नंबर थ्री एच टू एस, और लास्ट आना चाहिए एच टू ओ। लेकिन इसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि पानी में एच ओ एच है, ये पहला पानी का मॉलिक्यूल, ये दूसरा देखो एच ओ एच, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इंटर। कौन सी? इंटर। कौन सी हो रही है? इंटर। चाहे ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? इंटर। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही वाटर मॉलिक्यूल का नंबर रैंक बदलकर वन पे आ गया। तो ये हो गई नंबर वन रैंक, नंबर वन रैंक पर। तो ऑर्डर क्या हो गया? एच टू ओ, एच टू टी, एच टू एस सी, एच टू एस, ये किसका ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट का। किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। अब आप इधर आओगे तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए बोलो? बी आई एस थ्री का। किसका? बी आई एस थ्री का। तो आप कहोगे क्या है? बी आई एस थ्री वन पे आना चाहिए, ठीक है या नहीं? बी आई एस थ्री वाला ऑर्डर कहां लिख दें? यहां पर लिख दें या ऊपर से थोड़ी जगह बचा लें? यहां पे ले आते हैं। नंबर वन पे कौन आना चाहिए? बी आई एस थ्री, फिर उससे कम एस पी एस थ्री, फिर उससे कम ए एस एस थ्री, ठीक है या नहीं? फिर उससे कम कौन होना चाहिए? ए एस एस थ्री से उससे कम होना चाहिए पी एस थ्री, और सबसे कम होना चाहिए अमोनिया को। लेकिन अमोनिया की एंट्री यहां पर होती है, यहां पर अमोनिया थर्ड रैंक पे आ जाता है। अब यहां पर एक बच्चा कहेगा सर अमोनिया की एंट्री बीच में क्यों हुई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना? अब आपके मन में होगा सर इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इन्हें तो आपने नंबर वन रैंक दी एच एफ को भी और एच टू ओ को भी, लेकिन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर भी आपने उसे रैंक वन नहीं दी बल्कि थर्ड दी। रैंक तो सुधार हुआ, देखो वैसा होना चाहिए ना वन टू थ्री फोर फाइव, लेकिन अब क्या है वन टू थ्री फोर फाइव, जिसकी फाइव रैंक होनी चाहिए थी तीन तो हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, वन क्यों नहीं हुई? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन की ईएन वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? थ्री। ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4, इन दोनों की ईएन वैल्यू हाई है तो ये दोनों वन रैंक तक आ जाते हैं। इसकी ईएन वैल्यू कम है तो इसकी रैंक में इंप्रूवमेंट तो होता है, लेकिन रैंक में इंप्रूवमेंट होकर पांचवी से वन नहीं आती है, थ्री आती है। तो याद रखना हाइड्राइड में नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है अमोनिया, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से रैंक में सुधार हुआ। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो उसकी रैंक होती पांचवी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से रैंक कौन सी रह गई? तीसरी। अब मन में आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं ला पाया? इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि नाइट्रोजन एक वीक स्टूडेंट है, उसकी ईएन वैल्यू 3 है, इन दोनों से कम है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो है अमोनिया में, लेकिन बहुत बेस्ट क्वालिटी की नहीं होती है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एवरेज क्वालिटी की होती है, इसलिए रैंक 5 से सुधर कर 3 हुई, 1 नहीं हुई।
लेकिन H2O और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ट क्वालिटी की होती है, एक्सीलेंट फिनोमिनल, इसलिए उनकी रैंक एकदम लास्ट से फर्स्ट पर आती है। तो H2O और HF की रैंक में बहुत बड़ा सुधार आता है लास्ट से फर्स्ट पर ड्यू टू एक्सीलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया की रैंक में सुधार आता है 5 से 3 पर ड्यू टू एवरेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर उसमें भी एक्सीलेंट होती तो 5 से 1 पे आती। अब आता है अमोनिया में एक्सीलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसकी ईएन वैल्यू 3 है ना, जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की ज्यादा थी 3.5 और 4 थी। तो ये पूरा ऑर्डर हुआ, और पूरा ऑर्डर आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखो जरा ऑर्डर क्या बना, देखना ध्यान से देखो। वैसे ऑर्डर क्या होता है 1 2 3 4, अब असली ऑर्डर क्या है 1 2 3 4, ऐसे इधर आ जाओ यहां पे ऑर्डर क्या होता है 1 2 3 4, लेकिन असली में ऑर्डर क्या है 1 2 3 4, ऐसे यहां पे ऑर्डर क्या होता 1 2 3 4 5, लेकिन अब असली में ऑर्डर क्या है 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर है। बात समझ में आई या नहीं आई, ये हाइड्राइड के केस है, इनमें ये ऑर्डर नंबर 1, ये 2, ये 3, ये तीनों ऑर्डर आईआईटी में मिलाकर करीब 10 बार से ज्यादा आ चुके हैं। आईआईटी मीन्स एडवांस, ध्यान दें, फिर बार बार बोल रहा हूं आईआईटी और आईआईटी, ठीक, आईटी मीन्स और एडवांस में मिलाकर 10 बार से ज्यादा आ चुका है, ध्यान दें। नीट एम्स में ये क्वेश्चन मिलाकर करीब 12 टाइम आ चुका है ना, बोर्ड में तो आता ही आता है। तो ये बातें ऑर्डर समझ में आ गया, इसे बोलते हैं हाइड्राइड ऑफ हैलोजन फैमिली, इन्हें बोलते हैं हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, इन्हें बोलते हैं हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पहले मेंबर को लेते हैं हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्राइड ऑफ फ्लोरीन फैमिली। एक क्वेश्चन और आ रहा है आजकल बोर्ड में बड़ा कमाल का, कि H2O लिक्विड है, H2S गैस है, H2O लिक्विड है, H2S गैस है, बताओ क्यों, क्या क्वेश्चन है। H2O एक लिक्विड है जबकि H2S एक गैस है। इसको समझाने से पहले ऑर्डर ऊपर लिख दे रहा हूं जिससे सारे ऑर्डर एक साथ नजर आए। क्या ऑर्डर था बोलो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। तो नंबर 1 पे आया BIS3, 2 पर आया SBS3, 3 पर आ गई अमोनिया, 4 पे आ गया ASS3 और 5 पे आ गया फॉस्फीन। ये फॉस्फीन है, ये फॉस्फोरस है, P फॉर फॉस्फोरस, PS3 फॉर फॉस्फीन। ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। यहां पर रैंक कौन सी आई इसकी, देखो 3rd, इन दोनों की 1-1 है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है H2O इज अ लिक्विड बट H2S इज अ गैस, ऐसा क्यों है। देखो बेटा H2O मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अभी मैंने बताया था, देखो ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, HOH, इसके पास दूसरा आया HOH, फिर तीसरा आया HOH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और ये लिक्विड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और ये लिक्विड बन गया, जबकि H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो वो गैस है। तो H2S गैस है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। H2O में मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए वो लिक्विड है। तो मेन वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके आगे बढ़े जरा, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, सर एक बात बताइए, चीनी पानी में घुलती है ना, वाइट शुगर डिजॉल्व इन वॉटर, चीनी पानी में घुलती है ना, क्यों। देखो बेटा चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, पानी का H2O, क्या होता है बोलो H2O, क्या होता है पानी का फॉर्मूला H2O, ऐसे लिख लो HOH। तो देखो इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन पानी का आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, कौन सी वाली, इंटरमॉलिकुलर। इस इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑक्सीजन चीनी का और हाइड्रोजन पानी का आपस में जुड़ जाते हैं और चीनी पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से घुल जाती है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है कि इथाइल एल्कोहल
पानी में क्या बोलता है वाई सी टू एच फाइव ओ एच डिजोल्व इन वॉटर। सेम आंसर है इसका इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला सी टू एच फाइव ओ एच। तो इसका O और पानी का H आपस में कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी वाली इंटरमोलिकुलर, और इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथाइल एल्कोहल पानी में घुल जाता है। इथाइल एल्कोहल को वाइन भी बोलते हैं, शराब भी। तो शराब में पानी डालो तो शराब पानी में मिक्स हो जाती है, तो इसका कारण इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती प्यारे बच्चों, तो शराब में पानी डालने पर दो लेयर बन जाती। जैसे आप देखना सरसों के तेल में पानी डालना, तो सरसों का तेल की अलग लेयर बनती है, पानी की अलग बनती है। सरसों के तेल की अलग लेयर बनती है, पानी की अलग बनती है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो उसी तरीके से क्या होता, दो लेयर बन जाती। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इथाइल एल्कोहल में कार्बन होने के बावजूद वो पानी में घुल जाएगा और दो लेयर नहीं बनेंगी, दोनों आपस में होमोजीनियस हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इथाइल एल्कोहल पानी में नहीं घुलता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो उसमें घुल गया है। ठीक है, नोट करिए जरा। अब इसी में एक और केस आता है कि जो आइस है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस पानी के ऊपर क्यों तैरती है, क्या क्वेश्चन है, आइस पानी के ऊपर क्यों तैरती है। तो इसका आंसर यह है बेटा, आइस में जो आइस हो, वाटर हो या स्टीम हो, तीनों का फॉर्मूला तो H2O ही है ना। आइस हो, वाटर हो या स्टीम हो, तीनों का फॉर्मूला तो H2O ही है ना। ठीक है, H2O की सॉलिड स्टेट आइस है, लिक्विड स्टेट वाटर है और गैसियस स्टेट स्टीम है, हाँ या ना। तो जो आइस होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में मॉलिक्यूल में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है आइस में। आइस में हम क्या बोल रहे हैं, इन आइस देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H2O मॉलिक्यूल, बिटवीन H2O मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा होती है। द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर देन कोवलेंट बॉन्ड, लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर देन कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ किससे ज्यादा होती है, कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा होती है। ऐसा होने से बीच बीच में गैप बन जाते हैं, ड्यू टू विच वैकेंट स्पेसेस आर क्रिएटेड या वैकेंट स्पेसेस आर फॉर्म्ड इन विच एयर इज फिल्ड, इन विच एयर इज फिल्ड एंड आइस बिकम लाइटर देन वॉटर, एंड आइस बिकम लाइटर देन वॉटर, आइस बिकम लाइटर देन वॉटर एंड फ्लोट्स ऑन वॉटर, एंड फ्लोट्स ऑन वॉटर। क्या बात लिखी मैंने, समझ में आई कि आइस जो होती है उसमें H2O मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई बड़ी होती है, कोवलेंट बॉन्ड की लंबाई छोटी होती है। ऐसा होने से अलग अलग लंबाई के बॉन्ड बन जाते हैं, अलग अलग लंबाई के बॉन्ड बन जाने से बीच बीच में गैप छूट जाते हैं, उन गैप को बोलते हैं वैकेंट स्पेस। उन वैकेंट स्पेस में हवा भर जाती है, एयर, और आइस हल्की हो जाती है, हल्की होने की वजह से वो पानी के ऊपर तैरती है। आइस दुनिया का इकलौता लिक्विड है, हैं, जो मतलब आइस जो है दुनिया का इकलौती चीज है जो सॉलिड होने के बाद भी क्या हो रही है, लिक्विड पे तैर रही है। मतलब आप समझ रहे हो, वैसे दुनिया के किसी भी लिक्विड को अगर जमाओगे, सॉलिड कर लोगे, तो वो जैसे मतलब समझना, जैसे आप सोने को लिक्विड फॉर्म में ले लो, और सोने की एक क्या ले लो, बॉल ले लो, सोने की बॉल को सोने के लिक्विड में डालोगे तो डिप कर जाएगी। लेकिन आइस जो है वो वाटर में डिप नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आइस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा है, बॉन्ड की लंबाई के डिफरेंस की वजह से छोटे छोटे गैप बन रहे हैं,
उन गैप को वैकेंट स्पेस बोलते हैं, उनमें एयर फिल हो रही है और एयर के फिल होने से वो हल्की हो रही है और पानी के ऊपर तैर रही है। ये पूरी बात आई, नोट करें जल्दी से, जल्दी नोट करें। हाँ जी, नोट हो गया पूरा। अरे बच्चों, नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से पूरा। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अभी भी थोड़ा सा और काम बचा है, इसमें अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं 2-3, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए उन क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो रही है। फिर मुलाकात होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बचे हुए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।